बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे व्यूअर, क्या हाल चाल है आपका, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं जी आप बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे, और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे व्यूअर, आज मैं छोटे छोटे से टोटे जो है ना वो जोड़ के तो वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अभी मैं सईद करके वीडियो कोई नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मीना साहब की तबीयत सही बिल्कुल ठीक नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी सी बेहतर हुई है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। तो ये जी दस मुहर्रम का एक छोटा सा टोटा छोटा सा पीस था वीडियो का, वो भी मैंने इसके अंदर डाला है। मैंने कहा आपको दिखाऊं कि हमने यहाँ पर दस मरम को ये न्याज बनाई थी, तो न्याज में ये जी चनों वाले चावल थे, यानी कि चनों वाला पुलाव था, और साथ मीठे में मैंने सेवइयां बनाई थी। तो मैंने कहा चलें दुआ करवा देते हैं। तो फिर हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की तरह तो नहीं जैसे लोगों के घरों में देते हैं, तो यहाँ पर जो नीचे हमारे एक तो दुकानें और एक बांग्लादेश के हमारे हमसाए हैं उनके घर हम देते हैं, तो एक तो हमारे से दूर चले गए वैसे ही। वो आंटी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, अभी मुझे बड़ी याद आती है वो आंटी, दावत देते रहते हैं, कभी कभी जाते रहते हैं उनके घर, तो इस तरह पैक करके फिर नीचे दिए थे। ये जी फिर हमारी दूसरे दिन की वीडियो है, तो हम लोग गए हुए थे अरोना, जैसे कि मीना साहब की थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई थी, वो तकरीबन 2-2.5 महीने से घर में ही बंद पड़े हुए थे, तो फिर बिलाल कहने लगा कि चाचू चले आएँ थोड़ी देर बाहर चलते हैं, बच्चे भी तंग पड़े हुए थे, बच्चे भी कह रहे थे कि हमें कहीं बाहर लेके जाएँ, हमारी सारी छुट्टियाँ गुजर गई, हम कहीं गए नहीं हैं। तो आपको पता है बच्चों को होता तो है, लेकिन बच्चे आपको पता बड़ों की तरह तो परेशान नहीं होते, परेशान तो थे लेकिन फिर भी ना वो बच्चे हैं, बच्चे तो आपको पता फिर ऐसे ही करते हैं। खैर फिर बिलाल के साथ हम लोग वहाँ पर गए अरोना पोर्ट पे, तो वहाँ पर बच्चों ने थोड़ा सा पार्क था उसमें खेला इंजॉय किया, तो बच्चों को काफ़ी अच्छा लगा। फिर यहाँ पर जी उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा एक फुहारा भी बनाया हुआ है, तो ये बड़ा ही खूबसूरत फुहारा है, गर्मी भी काफ़ी थी लेकिन इसके पास जाने के बाद गर्मी का एहसास ही नहीं हुआ, इतना खूबसूरत और देखने में भी अच्छा लग रहा था, और हवा चल रही थी तो हवा के साथ ना बड़ी ठंडक सी महसूस हो रही थी यहाँ पर। तो मीना साहब को हम ज़बरदस्ती लेके गए थे, वो जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये है कि वो थक गए थे, काफ़ी थकावट हो गई थी उनको, क्योंकि अभी उनकी तबीयत बिल्कुल सही नहीं हुई। और जी मीना साहब की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, तो नवेरा गिरी थी, तो उसका अपना ही वज़न पड़ा ऊपर बाजू के, तो उसके बाजू को भी चोट लग गई, इस वजह से नवेरा के बाजू पर पट्टी लपेटी हुई है। मैंने कहा यह भी बताऊँ। फिर जी वहाँ पहुँच के हमें लग गई भूख, क्योंकि खाने का टाइम था दिन का, तो फिर हम लोगों ने वहाँ पे पिज़्ज़े लिए थे, पिज़्ज़ों में हमने एक सब्ज़ियों वाला पिज़्ज़ा लिया, सब्ज़ी कौन सी थी जी, सब्ज़ी ऊपर बैंगन और वालतोरी जो होती उसकी थी, एक ये जो था ये सादा पिज़्ज़ा था जिसको हाँ इटालियन में पिज़्ज़ा मैग्रीता बोलते हैं, तो एक जो था उसके ऊपर तोनो डली हुई थी, तोनो यानी कि फ़िश। तो मैं यहाँ पर हाथ धोने के लिए आई थी, यहाँ पर इस तरह के नलके लगे होते हैं और ये नलकों का पानी जो काबिल इस्तेमाल ही उन्होंने लिख के लगाया होता है कि ये पानी आप पी सकते हैं। तो ये वाला जो पिज़्ज़ा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये पिज़्ज़ा मैं खा भी रही थी, क्योंकि ये वाला पिज़्ज़ा जो मछली वाला था, तो बच्चे जो है ना ये मछली वाला पिज़्ज़ा नहीं पसंद करते, कहते हमें नहीं मछली वाला पसंद ना, हमें सादा ही खाना है, इस वजह से फिर बच्चों को सादा पिज़्ज़ा लेके दिया। तो एक हमने सब्ज़ियों वाला मंगवाया, फिर हमने मिलजुल के वो खाया। तो यहाँ पर बच्चे बैठे हुए खा रहे थे, तो चूंटियाँ बार बार आ रही थी, ये देखे मोइज़ और नवेरा बार बार उठ रहे हैं, कहते हमें चूंटियाँ तंग कर रही हैं। तो ये है जी पिज़्ज़ा सब्ज़ियों वाला, और इसके ऊपर सब्ज़ियाँ तकरीबन कच्ची ही होती हैं, लेकिन ये है कि इटालियन लोग जो ना खाते हैं, तो हम भी कभी कभार खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सादा पिज़्ज़ा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सारी सब्ज़ियों वाले पिज़्ज़ा मिल जाते हैं, जैसे कि साग वाला पिज़्ज़ा जो है वो भी मिल जाता है लेकिन सर्दी में। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे फिर आगे गए, तो वहाँ पर हम लोगों ने खानी थी आइसक्रीम, तो आइसक्रीम यहाँ पर मिलती है स्पेशल, जैसे गुलाब का फूल बना था इस तरह का, तो हमारा गुड लक नहीं था इस बार, हमारा बैड लक था, वो वाली हमें मिली नहीं, क्योंकि दुकान वालों ने बोला कि दुकान चेंज हो गई है, इस वजह से यहाँ पर ये वाली आइसक्रीम जो ना बननी ख़त्म हो गई है, तो सादी ही है। तो हमने कहा अच्छा चलें फिर कोई गल नहीं, खैर हूँ असी आए तो हैं वहाँ खानी आइसक्रीम, रोटी खाधी बाद मुँह तो मिठा करना ही, इसलिए फिर सादी ले ली वापसी तो आते हुए जी। तो यहाँ पर एक बंदा म्यूज़िक बजा रहा था, तो फिर लोग जो है ना उसको पैसे देते हैं, तो बच्चे भी पैसे दे रहे थे। फिर जी वो एक उसके साथ जो औरत बैठी है वो कागज़ों के ऊपर ना डिज़ाइन बना रही थी, बच्चों को कार्टूनों का डिज़ाइन या कुछ जो बच्चों को पसंद हो, तो ये उन्होंने तस्वीरें बना के लगाई, ये जो उसने ना डिज़ाइनिंग की हुई थी ना उसकी तस्वीरें लगाई थी, तो वो मैंने सीन लिया एक। फिर यहाँ पर ये पत्थर है, तो पत्थरों के ऊपर उसने पेंसिलों से या पता नहीं पेंट वाले कलर जो होते हैं उनसे कलर किया हुआ था, डिज़ाइन किया हुआ था, तो ये भी लोग ना लेते हैं। तो फिर ये नहीं मुझे पता वो कितने के दे रही थी, क्योंकि मैंने देखा नहीं था, क्योंकि मीना साहब काफ़ी थके हुए थे, तो फिर वो ना थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे,
तो फिर इस वजह से हम लोग ना जल्दी वापस आ रहे थे। तो कुछ गर्मियों के दिन माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, आपको पता है। तो हम लोग घर से निकले भी लेट थे और 2-3 घंटों में हम लोग वहाँ से घूम के वापस ही आ गए थे। तो ये मोई साहब दिखा रहा था कि मोई साहब को जो उसने दिया था ना, इसके ऊपर डायनासोर बना हुआ था, तो नवेरा का भी कोई कार्टून का करैक्टर बना हुआ था, पता नहीं हम कहड़ा बनाया से, मैंने नहीं पता। तो ये जो अरोना है ना, अरोना पोर्ट इसका नाम है जगह का, यहाँ पर बच्चों की पार्क भी है, बच्चों ने काफ़ी सारा यहाँ पर झूले वगैरह लेके एंजॉय किया। फिर हमने कहा कि चलो आओ अब चलें, आपके पापा की तबीयत ठीक नहीं है अभी, तो वो थक गए हैं, तो बच्चे तो ज़ाहिर है आपको पता पार्क में चल जाएँ तो उनका दिल ही नहीं करता आने का। और फिर यहाँ पे कश्तियाँ भी काफ़ी सारी हैं, और जैसे वो छोटी कश्तियाँ होती हैं जिस पे लोग बैठ के, जैसे हम लोग बसों पे सफ़र करते हैं ना, इस तरह एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, कुछ जो है ना वो घूमने फिरने के लिए भी जाते हैं। तो ये एक लीमू का डिज़ाइन उन्होंने बनाया हुआ था, जिसके अंदर से वो बर्फ़ वाले गोले इस तरह की चीज़ें जो ना वो सबको दे रहे थे, जिसका जो दिल करता था, और साथ जूस वगैरह भी थे। तो फिर जी शाम को जब हम घर आए तो बच्चों ने बोला कि हमारा दिल कर रहा है जी पॉपकॉर्न खाने को, तो मैंने कहा चलो आ जाओ फिर पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो ये जी फिर हमने घर में पॉपकॉर्न बनाया, क्योंकि मकई तो हम कट्ठी ले कर रखी हुई है हमने ना, हमने बहुत सारी मकई ले कर रखी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी हमने मकई ले कर रखी कि 6 महीने हमसे मुकने नहीं है, हमने जितने मर्ज़ी दाने बना के खाएं वो तकरीबन आधा किलो से कम और पाव से ज़्यादा पैकेट बड़ा जो हमने ले कर रखा। तो वो कब जब बच्चों का दिल करता फिर बना लेते हैं, कभी पैकेट वाले भी ले आते हैं। उसके बाद जी सामने हो रही थी आतिशबाजी, तो पता नहीं किसी की कोई शादी थी, फंक्शन था, क्या था। तो आजकल गर्मी है तो गर्मी में खिड़कियाँ खुली होती हैं, तो फिर वो काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा व्यू था। तो बच्चे देख रहे थे, कहते मामा देखे कितना प्यारा लग रहा है। तो जी मज़े की बात ये थी कि जैसे ही आतिशबाजी ख़त्म हुई तो बारिश इतनी तेज़ लग गई ना, बहुत तेज़ बारिश हुई। बारिश की तो खैर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन ये है कि जो हमारी तरफ गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी वो गर्मी ख़त्म हो गई। तो इसी के साथ मैं अपने सब बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ और आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ फिर, अल्लाह हाफिज़।